यहाँ इस धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस कार्यक्रम पर उपस्थित समस्त उपासक उपासिकागण साथियों, आज महापुरुष कोई नहीं पैदा हुआ, लेकिन किसी धर्म के पैगंबर ने, किसी धर्म को बनाने और चलाने वाले व्यक्ति ने अपने धर्म में इस बात की छूट नहीं दी कि हमने जो कह दिया, जो उपदेश दे दिया, हमने जो हमारे दिए गए उपदेश से जो किताबें लिखी गईं, उन किताबों के इतर और हमारे धर्म के, हमारे उपदेश के इतर आप कुछ मत सोचिए। ऐसा प्रायः सभी धर्मों के जो पैगंबर हैं या धर्मों के जो प्रणेता हैं, उनके विचार और उनकी जो किताबें हैं, उनके जो धर्म ग्रंथ हैं, उसमें ऐसी बात है। लेकिन एक ही बात से हम कहना चाहते हैं, जितने लोग यहाँ इकट्ठा हैं, कि दुनिया में अकेला बौद्ध मत है, दुनिया में अकेले बुद्ध हुए जिन्होंने अपने धर्म के अंदर, अपने उपदेश के अंदर ये कहा कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ, जो परंपराएं हैं, जो आपके घर परिवार में चीज़ें चली आ रही हैं, किसी धर्मशास्त्र में लिखा है, किसी किताब में लिखा है, वह समय काल परिस्थिति के हिसाब से बदल सकता है। इसलिए ये आवश्यक नहीं कि जो हमने कहा या जो परंपराएं हैं, जो अन्य धर्मशास्त्रों में, किताबों में लिखी गई बातें हैं, उनको आप मानिए, तर्क करिए, तर्क की कसौटी पर कसिए। यदि आपको तर्क की कसौटी पर उस समय में वह बात सत्य प्रतीत होती है तो उसको मानिए, अन्यथा उसको इनकार कर दीजिए। दूसरे किसी धर्म में, बौद्ध मत को छोड़ करके, और यही विज्ञान कहता है, यही विज्ञान कहता है कि विज्ञान हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, विज्ञान आओ करके सीखें। अकेला बौद्ध मत है जो कहता है कि तर्क करके और स्वीकार करो, हमने जो बात कहा है, और बुद्ध ने कहा कि न आत्मा है, न परमात्मा है, न स्वर्ग है, नरक है, न नरक है, न देवी है, न देवता है, न भाग्य है, न भगवान है। और जब इन सारी चीज़ों को आप मान लेंगे कि न भाग्य है, न भगवान है, मतलब कर्म ही प्रधान है, और कर्म के जरिए ही हम अपने भाग्य का, अपने कल का, भविष्य का हम निर्माण करते हैं, ये बुद्ध ने कहा। बुद्ध ने और दूसरे लोग क्या कहते हैं कि तुम्हारे पूर्व जन्म का फल है, और आज जो कर रहे हो ये अगले जन्म के लिए कर रहे हो। महामना बुद्ध ने कहा कि नहीं, कोई भाग्य नहीं, कोई भगवान नहीं, कोई देवी और देवता नहीं, कोई स्वर्ग और नरक नहीं, जो कुछ है। और बुद्ध ने कहा, आज जितने तमाम लोग तपस्या करते हैं, जाकर अपनी शरीर को, बुद्ध ने भी 6 साल तक तपस्या किया, और जो सुजाता नाम की लड़की उसने रखा था, ये मान्यता उसने रखा था कि हमको बच्चा पैदा होगा तो हम खीर चढ़ाएंगे वट वृक्ष पर। वो खीर लेकर पहुंची, उसकी एक दासी ने बताया कि एक पेड़ के नीचे एक तपस्वी है, और बुद्ध 6 बरस से उनकी शरीर छीण हो गई थी, तपस्या करते हुए बिना खाए रहते हुए पूरी उनकी शरीर छीण हो गई थी। जब बुद्ध के पास सुजाता लेकर खीर आई, उन्होंने खीर को ग्रहण किया, और खीर को ग्रहण करने के बाद उनको इस बात का बोध हुआ, ज्ञान हुआ कि हम अपने शरीर को कष्ट दे करके हम ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, जिसको मध्यम मार्ग कहा गया। बुद्ध ने कहा कि आहार और विहार, इससे परहेज नहीं होना चाहिए। हम जिस तरह से अभी चश्मा भंते जी कह रहे थे कि ये 3 महीने वर्षावास होता है, जिसमें बौद्ध धर्म के उपासकों, बौद्ध भिक्षुओं, उनको पढ़ने के लिए उद्यत किया जाता है, और कहीं जाने की मनाही होती है कि आप कहीं जाएंगे नहीं 3 महीने तक। और पहला वर्षावास महामना बुद्ध ने सारनाथ में, आज के ही दिन पहला वर्षावास उन्होंने किया था सारनाथ में, और उसके बाद प्रत्येक वर्ष कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में बुद्ध ने अपना उपदेश दिया, वर्षावास किया, 3 महीने तक वहाँ रहने का काम किया, और अपने उपासकों को उन्होंने बुद्ध धर्म के बारे में, बुद्धत्व के बारे में, ज्ञान के बारे में, शिक्षा के बारे में उन्होंने पढ़ाने का काम किया, बताने का काम किया। तो आज पहला दिन था जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, और बुद्ध ने जब समझा कि दुनिया में बुद्ध ने क्या कहा, हमारे भंते लोगों ने आप लोगों के बीच में वो सारी चीज़ें, चूँकि गर्मी बहुत है, मैं विस्तार से आपके बीच में नहीं जाना चाहता, लेकिन बुद्ध ने जो चीज़ें कहा, उन्होंने कहा दुख है, दुख का कारण है, और दुख का निवारण है, और दुख के निवारण के उपाय हैं, ये बुद्ध ने कहा। बुद्ध ने जो पंचशील दिया, बुद्ध ने कहा कि हिंसा मत करो, बुद्ध ने कहा चोरी मत करो, बुद्ध ने कहा झूठ मत बोलो, बुद्ध ने कहा व्यभिचार मत करो, बुद्ध ने कहा नशा मत करो। दुनिया का कोई धर्मशास्त्र इस बात की, इस तरीके से, इतनी मजबूती के साथ, जिसका हम प्रत्येक दिन जब धम्म वंदना करते हैं, बुद्ध वंदना करते हैं, बुद्ध को याद करते हैं,
तो इन पांच चीज़ों को सबसे पहले हमारे बौद्ध भिक्षु और हम सभी लोग जो लोग उपासक होते हैं उनको इन पांच चीज़ों पर ही जोर बुद्ध धर्म में दिया जाता है, बौद्ध मत में दिया जाता है कि चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, हिंसा नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है और आपको नशा नहीं करना है। इन पांच चीज़ों से अगर विरत हो गए तो वो पूर्ण मनुष्य पूर्ण इंसान होगा। इसलिए हम आप लोगों से कहना चाहते हैं, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब बुद्ध धर्म को भारत से बुद्ध धर्म को ख़त्म कर दिया गया और बुद्ध धर्म को ख़त्म करके यहाँ पर ये जो चीवर पहने हुए बौद्ध भिक्षु हैं, जब एक मत का प्रचार पुष्यमित्र सुंग ने किया तो पुष्यमित्र सुंग ने कहा कि जहाँ पर भी बौद्ध भिक्षु ये चीवर पहने हुए दिखें उनका गर्दन काट के लाओ और 100 सोने की मुद्राएं दी जाएंगी। यहाँ से बौद्ध भिक्षुओं का पलायन शुरू हो गया और दुनिया के जिन देशों में बौद्ध भिक्षु गए और दुनिया के जिन देशों ने बौद्ध मत को स्वीकार किया, वो चाहे चीन हो, जापान हो, कोरिया हो, थाईलैंड हो, जितने बर्मा हो, जितने दुनिया के देश हैं, आज चीन बौद्ध धर्म को मानता है, बौद्ध मत को मानता है, सर्वाधिक लोग वहाँ बौद्ध मत को मानने वाले हैं और दुनिया का सबसे ज़्यादा समुन्नत देश जिसने कृत्रिम चंद्रमा बना लिया, जिसने कृत्रिम मशीन बना लिया, जो हमारे दिमाग का हमारे ब्रेन मैपिंग करने वाली, जिसने दुनिया का अकेला देश चीन जो ब्रेन मैपिंग करने की मशीन बना लिया, दुनिया का अकेला देश चीन जिसने अगर उसके वहाँ खेल हो रहा, कोई आयोजन हो रहा और बारिश आ रही है तो जितने देर तक वो खेल या आयोजन होगा उतने देर तक आसमान के ऊपर वो अपनी तकनीक से बारिश को बंद करने की क्षमता उसने पैदा कर लिया। तो जो दुनिया के धर्म, जो दुनिया के देश, चाहे वो चीन हो, जापान हो, दुनिया के जितने भी बौद्ध मत को मानने वाले देश, जो यहाँ से बौद्ध भिक्षु निकल करके 100 स्वर्ण मुद्राओं के बदले उनका गर्दन काट दिया जाए, जो ये घोषणा हुई और उसके बाद जो यहाँ से पलायित होकर के और अपने बौद्ध मत को जिन लोगों ने दुनिया के देशों में प्रचारित किया, आज उन देशों में शील है, करुणा है, प्रेम है, विज्ञान है, तकनीक है, समुन्नति है और उन देशों में हमारे देश की तरह गरीबी नहीं है, बीमारी नहीं है, भूखमरी नहीं है, अशिक्षा नहीं है और वे देश आज तकनीक के क्षेत्र में आगे हैं। इसलिए कि उन्होंने बुद्ध के वैज्ञानिक मत को, बौद्ध धर्म को, बौद्ध मत को स्वीकार किया है। और मैं कहना चाहता हूँ कि ये दुनिया का अकेला धर्म जो कहता है कि वैज्ञानिक बनो, तार्किक बनो। इसलिए जितने लोग आए हैं, चूँकि इसके बाद भी अभी कई लोगों को बोलना है, बहुत सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं, इसलिए मैं अपनी बात को कोई लंबी न करते हुए मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि दुनिया का अकेला धर्म बौद्ध धर्म है, जो वैज्ञानिक धर्म है, जहाँ पाखंड नहीं है, जहाँ अंधविश्वास नहीं है, जहाँ तर्क की और विज्ञान की पूरी गुंजाइश है। इसलिए ऐसे मत का ही अगर धर्म मानना है तो ऐसे मत के प्रति आपकी आस्था और आपका विश्वास होना चाहिए। और मैं भंते महन जी को इस बात के लिए साधुवाद देता हूँ कि हमेशा ऐसे आयोजन, शानदार आयोजन करते हैं जिससे पूरे देश के अंदर और जो लोग भी ऐसे वैज्ञानिक विचारधारा को मानने वाले लोग हैं उनके अंदर इस मत का प्रचार हो और इस मत के प्रति श्रद्धा और आस्था उनकी बढ़े। इस बात के लिए मैं भंते महन जी को भी साधुवाद देता हूँ।